कोई किस्मती है कि 12वीं सदी च बाबा फरीद जी जो दिल्ली तो पाक पटन जा रहे सन इतने बसाम किया गुरुद्वारा गोदी साहब वाले था उदे नाल अपना ये शहर जरा उस वक्त एक पिंड सी जरा नाम मोकला सी उस बदल के वक्त के हाकम ने इस फरीदकोट का ना देता और बाबा जी के नाल जो शहर जुड़ गया उस बाद इन्हें तरक्की करनी शुरू करती इतने राजे महाराजा का जरा हेडक्वार्टर भी बनिया और इतने काफ़ी तरक्की हुई चंगे लोग इतने उस इलाके मेरे कंट्रोल 1969 च स्थान आया बाबा फरीद जी के नाल जोड़ के मैं इस स्थान से जरा सी प्रोग्राम ईमानदारी का सच्चाई का असी दो अवार्ड देने का प्रोग्राम बनाया जिन्हें पहला शुरू तो वो 10-10 रुपए तो किए 10 तो फिर 100 से आए फिर 1000 से आए फिर लख से आए एक एक लख रुपया उन्हें दो अवार्ड देंगे एक भगत पूर्ण सिंह अवार्ड फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी दूजी बाबा फरीद अवार्ड फॉर द ऑनेस्ट लेकिन ऑनेस्टी वाले अवार्ड अभी 20-25 दिते लोगों ने इतराज करने शुरू करते कहना शुरू करता कि नहीं ये डिसऑनेस्ट आदमी से इन्होंने गलत दिता ऐसी कमेटी ने फैसला करता कि ऑनेस्टी वाला अवार्ड समाप्त कर दो सिर्फ तो सिर्फ जरा बाबा उन्हें ना बदल दो बाबा फरीद अवार्ड फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी वो अवार्ड ऐसी हूँ अनाउंस करेंगे श्री वरिंदर मोहन जी के वो अवार्ड ऐसी क्यों दिता गया सोसाइटी ने क्यों दिता अर्जियां बहुत आईया उन्होंने पूछ पड़ताल बहुत थोड़ा की गई और वो हूँ फैसला हो बाबा फरीद धार्मिक विद्यक संस्थावां वालों हर साल जो अवार्ड दिते जाने उन्हों एक बाबा फरीद अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी का ऐलान कर जा रहे हैं ये सरदार इंद्रजीत सिंह खालसा जी रहनुमाई हेठ सारा सर्वसम्मति नाल फैसला किया गया कि समाज सेवा सोसाइटी रजिस्टर्ड मोगा नूं ये अवार्ड लई चुनिया गया है समाज सेवा सोसाइटी रजिस्टर्ड मोगा ये सोसाइटी परमात्मा की अपार बख्शिश नाल ईमानदारी दृढ़ता अते निष्काम भावना नाल मनुखता कुदरत अते उसके प्राणियों की सेवा विच दिन रात जुटी हुई है इस सोसाइटी वालों रोड एक्सीडेंटा विच फटड़ होए कोई तकरीबन 40,000 तो वध व्यक्तियों की जान बचाई जा चुकिया हैं रेलवे लाइन एक्सीडेंटा नहर राजवाहां विच मिलिया लगभग 370 लावारसा डेड बॉडियां दे संस्कार किए जा चुके हैं इन्हां वालों 300 के करीब जनरल मैडिकल कैंप लगा के 35,000 करीब मरीजों का निरीक्षण किया जा चुका सिलाई सेंटर खोल के 6 बहुत लोड़वंद लड़कियों सिलाई की सिक्ख्या भी दी जा चुकी है अलग अलग सांझी थावां ते 60,000 के करीब बूटे लगाए गए हैं सोसाइटी वालों 2 एंबूलेंसा मरीजों की मुफ्त सेवा कर दिया हैं सारे बहुत सारे पिंडों में नशा छुड़ाऊ कैंप भी लगाए गए हैं बेसहारा वाली सोसाइटी वालों अनगिनत कार्ज किए गए हैं ये सोसाइटी 23 सितंबर 2023 गुरुद्वारा गोदरी साहब विखे समागम विच दुपहरे 12:30 बजे 1,00,000 रुपए नगद राशि दुशाला सरोपाओ अते साइटेशन दे के सम्मानित किया जाएगा ये सोसाइटी वालों 2000 दे विच शुरू किया गया सी अवार्ड देने जेडे कि हुण तक 33 ईमानदारी शख्सियत दिता जा चुका है इस तरह भगत पूर्ण सिंह अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी कुल 29 महान शख्सियतों दिता जा चुका है जिन्हें डॉक्टर इंद्रजीत कौर प्रधान पिंगलवाड़ा सोसाइटी डॉक्टर गुरशरण सिंह उर्फ मन्ना सिंह
डॉक्टर मधु पराशर आदि शामिल हैं, पर सोसाइटी वालों इस बार सिर्फ एक ही अवार्ड बाफरीद अवार्ड सर्विस टू ह्यूमैनिटी देने का फैसला किया गया है। सरदार इंद्रजीत सिंह खालसा जी जिन्हों की रहनुमाई हेठ ही जोड़े समागम किए जा रहे हैं हमेशा करते आ रहे उन्हों की रहनुमाई हेठ ही इस साल फिर जोड़ा कि बाबा फरीद जी की 850वीं जन्म शताब्दी समर्पित है और जोड़ा समागम जोड़ा अवार्ड दिते जा रहे हैं। ये घर तो घर 20-25 आईया सी जिन्होंने पूछ पड़ताल की गई सारे उधर सरसमति ये पास किया गया इन्होंने प्रक्रिया की रही है जी प्रक्रिया कि रही है इन्हों असी सारे फाइलें मंगाइया गई पहला अखबार के इन्होंने एप्लीकेशन मंगी अर्जी आई हैं काफ़ी उस तो बाद अर्जियों देख के 8 तरीक तक अर्जियां दी सी उस तो बाद असी सारी पढ़ के स्टडी करके अलग अलग मैंबर जिहड़े कि जिहड़े मैंबर से उन्होंने पढ़िया उस तो बाद उन्होंने पुछ पड़ताल की उससे जाके उत्ते पता किया गया तो उस बाद ही फैसला किया गया भी कि सोसायटी ने सही सच काम किया गया चंगी तरह पुछ पड़ताल तो बाद ही किया जाता। वीडियो नू अगे शेयर जरूर करना जी, कृपा करके साडे चैनल नू सब्सक्राइब जरूर कर लो जी। हुण तुसी फास्ट अनयूज़ पंजाब दी ऐप प्ले स्टोर तो इंस्टॉल करके नवियां अते ताज़ा खबरां पाड़ अते देख सकदे हो। धन्यवाद।